जय माता दी। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के नौवें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए गम में नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईश्वर और वशित ये 8 सिद्धियाँ होती हैं। ब्रह्म वैद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो कि इस प्रकार है। अरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा ईश्वर वशित सर्व काम वसायता सर्वज्ञत्व दूर श्रवण प्रकाय प्रवेशना वाक सिद्धि कल्प वृक्षत्व सृष्टि संहार कर सामर्थ्य अमृत सर्व न्यायकत्व भावना सिद्धि। माँ सिद्धार्थी के भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धार्थी की 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि माँ सिद्धार्थी की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रण करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर रहे। इनकी कृपा से अनंत सुख अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे दुख सुखों का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धार्थी अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धार्थी माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धार्थी माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे, और वह सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं आशाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है। माँ के चरणों का सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमित रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम महिमा ईश्वर सर्व काम वाशिता दूर सवर पर काम्या प्रवेश वाक सिद्धि अमृत भावना सिद्धि आज समस्त सिद्धियों व निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तब तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तब पूजा अर्चना कर तो माँ की कृपा का पात्र बन ही सकता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना का ये योग श्लोक और सरल स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वें के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धात्री रूपेण संसिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धार्थी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है या मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माता दी।